ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। कोरोना का जो टाइम चल रहा था और इब भी चल रहा है, लॉकडाउन ऐसा लग गया जो करिए बालक खड़े हैं 6 साल तक लेकर 10-12 साल तक के बालक अपने साथ खड़े हैं, इनका रिटायरमेंट पर का काम हो रहा है, मतलब स्कूलों तो इसे पेंडे छुट गए, 5 महीने हो गए, पूरी मौज हो रही है ज़िंदगी में पहली बार शायद इन्हें जितने भी 8-10 साल जितनी की उम्र हुई है पहली बार ऐसा मौका मिला है जमा जीसा ले रहे हैं। अगर तो आज न्यू सोचा भाई बालकांगा थोड़ा देख लें इनका दिमाग में के चल रहा है। कोरोना टाइम कई ऐसे भी हैं बालक जो घर बैठ कर बढ़िया तैयारी भी कर रहे हैं और हंसी मजाक मनोरंजन ये भी चलते रहे हैं, और कुछ बिगड़ भी गए बालक जिन्हें पढ़ाई छोड़ दी, होशियार होया कर दे हुए हैं, थोड़े वंचित हो गए इस चीज़ तो दूर चले गए। कितनी का आजकल स्कूलों में पढ़ाई चल रही है तो थोड़ा एक टेस्ट सा लेवांगे। सबसे पहला तो भाई नाम बताइए सारे अपना अपना, कितने साल के हो गए? अरुण 12 साल का, दीपक 11 साल का, मोहित 11 साल का, महक 12 साल की, ममता 8 साल की, अंजलि 9 साल की, धनु 8 साल की, अंजलि कै साल की? 8 की। हाँ भाई विनीत आगा नौका जनाम बता। विनीत अमन 12 साल का, दीपक 11 साल का, पुराना हो जाता था। तो भाई 7-8 तक लेकर ना 11-12 साल तक के हैं बालक हैं। सबसे पहला इनका सवाल पूछा है भाई, जो सवाल पूछूं हाथ ऊपर करना सब ने, ठीक है नहीं? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? जिस नाव हो हाथ ऊपर करियो। दूसरी चीज़ एक दूसरे ने देख का हाथ उठा हुआ, ईमानदारी तो जवाब देने सबने, ठीक है नहीं? सब नाम है, अच्छा एक दो तीन बोलूँगा सबने बोलना है, तीन बोल दें सबने बोलना है, कौन है? 1, 2, 3 नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है। अपना हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? हाथ उठाओ फटाफट 1 सेकंड में। मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ छोटी बड़ी ABCD किस नाम है? छोटी ABCD किस नाम है? आठाओ जल्दी आठाओ, छोटी कितनी आओ है छोटी ABCD? अरे सारी बराबर तो है, लिखण में छोटी बड़ी हो तो ABCD किस नाम है पूरी? तोड़िया ताड़ी बजाओ इस खतर, ताड़ी बजाओ, बस नाम बता। तन्नू। सही नाम क्या है? अंजलि। फिर अंजलि को सुना ABCD। ABC दो बार नहीं है, एक बार सुना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये तो गलत है। अबे गलत है, ठीक बताओ, ठीक है के? ताड़ी बजाओ, ठीक है तो शाबाश, बहुत बढ़िया। NR किस नाम है? सारे ऊपर उठाओ जल्दी जल्दी ठाओ, एक दूसरे का नहीं देखना, ठाओ जल्दी। कौन आंदे? कबूतर को नहीं आंदे। यू देख लो भाई, मतलब NR इसी चीज़ इनका खोट नहीं मानता मैं, स्कूला में तो यह चीज़ हटा दी, बड़े बड़े शायद ऐसा लागे शायद MA BA करे भी इतने पै जाएंगे जिन्हें उनके बार उन्हें भी नहीं आंदे पा, और कई मास्टर भी पै जाएंगे शायद जिसने NR ना आंदे हो। तो यू सिस्टम चल रहा है। अच्छा आठाओ एक बार सारे ठाओ, ठहरे हो क्या था यार? अच्छा नहीं बताओ भगत सिंह कौन है? हाथ नीचे करो। भगत सिंह का नाम सुनया किसने? चला उठाओ सारे ऊपर, जिसने भगत सिंह का नाम सुना फटाफट उठाओ। अच्छा ताड़ी बजाओ इस गुड़िया का नाम की, बजा ताड़ी बजाओ। क्या नाम है? नाम क्या तेरा? अंजलि। अंजलि भगत सिंह कौन है बता? शाबाश सुनया नाम कौन सुन, फिर हाथ क्या ठा चल दीजिए। और किसने मेरा है? हाँ भाई और किसने मेरा है? कौन मेरा? आजा भाई आजा, आजा। क्या नाम है? मोहित। कौन है भगत सिंह? जिसने अपना देश को बचाया था। देश के करया था? देश को बचाया था। देश को बचाया था, देश बचाया था। आगा डरना आगा, एक किस पर नाम सुनाया तुमने भगत सिंह? ये बता पहले मैं। हाँ सही बताइए ईमानदारी से, सुनया कदे नाम? के सुनया कड़ा सुनया के न है मेरा न्यू मेरे ने फिर सुनया कड़ा है। चल के करया था उसने बता, चलो जखड़िया भाई तने मेरा है
चलो अच्छी बात है, छोटा बालक है, सबसे छोटा है यू। इसने न्यू बता दिया कि जिश्ती देश बचाया था शायद थोड़ा बहुत, लेकिन वह चीज़ आओ भाई, एक थोड़ी ही शर्म की यह बात आओ है कि अपने स्कूला में बड़का आगे 12-12 साल के हो रहे हैं, इन न्यू कौन बेरा भगत सिंह कौन था, यानी यह जो ओरिजिनलिटी है यू, एक इतिहास है देश का, यह चीज़ बताई नहीं जाती स्कूला में। एक किताबी ज्ञान दिया जाओ है, लेकिन मैं एक चीज़ मानूँ भाई, किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने जो शहीद हुए हैं, वीर जवान हुए हैं, जिन्हें बिल्कुल किसी ने 15 साल की उम्र, किसी ने 20 साल की उम्र, किसी ने 22 साल की उम्र में अपनी जैन नौछावर कर दी देश के ऊपर, उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। इतने बड़ा काम किसी ने नहीं, बेरा भगत सिंह कौन था? सुखदेव राजगुरु के बारे में सुने किसी ने? कौन बेरा? राष्ट्रीय पक्षी के हाथाओ हाठाओ आ जा विनीत, बोलना नहीं, नाम तेरा के है? विनीत। विनीत कौन है राष्ट्रीय पक्षी? पीकॉक। पीकॉक के हो? हिंदी में बताओ, अंग्रेजी नहीं हिंदी में? यू देश का भविष्य है, इंग्लिश में पिकोक कह दिया, और इसने नहीं उन्हें बेरा हिंदी में पिकोक ना कह गया भाई, हिंदी में किसने बेरा है? एक मिनट आ जा, ताड़ी बजाओ, पहला ताड़ी बजा करो। नाम बता। मैक। नाम बता। मैक। नहीं, राष्ट्रीय पक्षी का नाम? मोर। मोर, शाबाश, ताड़ी बजाओ। राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है, पिकोक का बेरा तेना, मोर का ना बेरा? अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज के अपना, राष्ट्रीय झंडा के आठा ऊपर बोलना नहीं, राष्ट्रीय झंडा क्या उठाओ, राष्ट्रीय झंडा अपने देश का? हाँ। आजा, नाम बता। विनीत। के है राष्ट्रीय? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा, ताड़ी बजाओ से बस। किस किस ने देखा तिरंगा झंडा? खड़े हो। तो भाई यह चीज़ है, मतलब स्कूला में किताबी ज्ञान के साथ साथ यह चीज़ नहीं बताई जाती कि अपना राष्ट्रीय पक्षी के हुए हैं, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी नहीं बताया जाता, यानी सिर्फ स्कूला में किताबी ज्ञान दिया जा हुआ है, जो अपने एक संस्कार होया करें हैं, जो अपने इतिहास की बात होया करें हैं, देश का तरीन जिन्हें जान नौछावर की, वह चीज़ स्कूला में बताई नहीं जाती, उन चीज़ों से बालक काफ़ी पीछे रह रहे हैं। चपट दो, कुछ भी कर दो, ईशा फोन दिन में कौन ले हुआ है? ईमानदारी तो दो, हाथ ऊपर करके। हाँ हाँ, ठाओ आताओ ठा, के बात है? आ जा भाई, जल्दी आ, के कर रहा फोन में? काम कर रहा हूं। काम कर रहा? उस्ताद ने रहा? उस्ताद ने रहा, गाने गाने सुना रहा हूं, गेम खेल रहा हूं। सुना रहा है? हरियाणवी? हां, बहुत बढ़िया। और गेम कौन सा खेल रहा है? मैं PUBG, फ्री फायर? ना, इन मत है कि भी कौन खेल रहा है। और कौन सा खेल रहा है? नाम बता गेम का। ट्रैश ट्रक। ट्रैश ट्रक, खड़े हो से बस। आ जा भाई, जल्दी आ, के कर रहा फोन का? ईमानदारी बताना है, कुछ नहीं है, गेम खेल। शाबाश, भी जाओ एक बार, ईमानदारी से बताइए कौन सा गेम खेला? फ्री फायर। फ्री फायर, उस तो पहले पबजी खेला करता। अच्छा, आज भाई जल्दी, कौन सा गेम खेला रहा? फ्री फायर। ईमानदारी बजाओ, ईमानदार है तेरे, ये ईमानदार है, झूठ नहीं बोलते। कितने घंटे खेला रहा ईमानदारी बता, एक दिन में? सच्ची बताना, देख मेरा इनाम है, सच्ची बताना। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 10 घंटे 12-14 कितने घंटे खेला? सच्ची बता। इनाम मोबाइल दूंगा, मेरा वाला पक्की बात है, ये लाइन निकाल लिया। सिर्फ ईमानदारी तो पहले थोड़ी पहले। नहीं सुन, ईमानदारी तो बता दी, उसे टाइम फोन तेरा हो लिया, पक्की बात हो ली। ईमानदारी तेने बता, ज्यादा एक दिन में कै घंटे खेला? सच ही बताना। थोड़ी देर खेली, बैटरी खत्म। नहीं, बैटरी नहीं खत्म हो, एक दिन तारा करके बताने ला रहे थे, 10-12 पता नहीं इतने 8-10 घंटे खेला, तो पूरे दिन में 24 घंटे कितने घंटे? सच ही बताई ईमानदारी, फोन हो गया 10 और 4 घंटे, ताड़ी बजाओ इसका। और खड़े हो ना, झूठ बोलिए, 8 घंटे खेला खड़े हो? फोन दे, देऊंगा खड़े, फिर बाद में सम्मानित करूंगा। आ जा गेम, और कौन खेला रहा? सच तो ईमानदारी दे। हाँ भाई खेल, आज भरा डर क्यों? शाबाश, ताड़ी बजाओ इसका। कौन सा गेम खेल रहा? फ्री फायर। फ्री फायर, कै घंटे खेला रहा? सच बताइए घंटे को यहाँ मिला जो देख लिया, जो मिला तो देख लिया, नहीं टाला। अच्छा खड़े हो, चलो बहुत बढ़िया। हरियाणवी गाने ऊपर कितने आंदे हो, हाथ ऊपर करो, जो हरियाणवी गाने सुन दो। फिर आंदे को नहीं सुना, कौन कौन हाथ ऊपर करो। आजा आगा, कौन सा गाना है सुना? आजा ब्लू पानी पानी, सुना उन से बोल गए। आजा ब्लू पानी पानी पानी, दिल भी सानी सानी सानी, आजा ओन द बिट्टी यारा, फोटो मेरी की टूटी किस्मत होगी होगी, तूने मेरी बात न मानी। ओ हो ठीक खड़े हो, आजा आगे। कौन है नारियन में गाना? ईमानदारी देखो है, दीपक है, सुना सुना। मैं कौन सा सुना रहा? आजा आगे, कौन सा सुना रहा बता, कौन सा सुना रहा है? आ जाओ, उड़ खड़े हो, डर क्या था जे? कौन सा सुना रहा? कॉलेज लाइफ सुना के रहा? कॉलेज वाली लाइफ के दिन कट रहे थे मौजदा में, मुड़का हुआ दिन ना आवे बस। आगे कौन आ जाएगा? मुकल है शाबाश, खड़े हो स्टेज पर, है बस, ताड़ी बजाओ मुकल के नाम के ऊपर। सुना कौन सा गाना आ रहा है? शाबाश,
कुर्ता पटना देवा छोड़ अरवे नहीं आ कोनी आंदा भाई और कौन सा आवा हिंदी पंजाबी कौन सा आवा है आवा कौन सा गाना राधे कौन सा आवा नुका ओ कौन सा ओए सुना था रंडा पार्टी सुना भी है शाबाश ताली बजाओ ताली बजाओ भाई थोड़ा थोड़ा आवा है जितना उतना सुना न्यून मुकर कैमरा कान सुना रंडा पार्टी जिन के शुरू तक ये था बंदा कोनी आंदा वो आ जाओ चुंदड़ी जयपुर ते मंगवा रैंडी सोने की घड़वा गले में घंटी घेर के टोकनी चांदी की आठा रूपकति निखरा पाटड़ा जिकरा बहु के माँ की गाली दामन नीचे फैल पैर ली जूती दो न्यू बताओ आगा थोड़ा गुलजार छानी वाला नाम किसने सुना आज ऊपर उठाओ आज ऊपर उठाओ ईमानदारी तो इतने सुने पूरा थोड़ी आज है शर्माओ का आगा शाबाश आ तोलिया डरे नहीं करता आज भी डरे नहीं करते फिर आई क्यों थी और शाबाश नाम बताते रहा ऊंची ममता ममता गुलजार छानी वाला कौन है बताया तो दे नाम सुना कौन के करया करे वो है गाने गाए कौन से गाने गा करे एक गाना सुनाए बता कोई भी एक दो लाइन सुना बेरा कोनी फिर नाम कड़े सुने और किस त्याग है अबे उड़ान कौन सा अठा था झूठ क्यों बोलो नेम लागेगा आज उरा आज आज गुलजार का नाम सुना इतना फिर आए तो उरा एक बार है आओगा फिर फायदा क्या खेल का उरा खड़े हो बस आज ताड़ी जाओ एक बार सारी इसका नाम रहे तो फिर तो ऑर्डर रहे क्यों है नाम नाम बता के गुलजार छनियाला तेरा मेरा तो हरियाणा मेरा तो हरियाणा है गुलजार छनियाला कौन है ने बता के एक यार बस ने बता दे गाने राय रहे कौन सा गाना सुना है तने एक गाना नाम बता दे बस नाम बता दे अबले सुने अनु याद नु एक काबिला मतलब एक का किसी भी एक गाना जो सबसे बढ़िया रहा हो जो मशहूर बज जाओ डीजे सुने होंगे अमन सुने बता बता अरे रोनी आंदा अरे फिर एक तो नाम बता दे अरे नाम रोनी आंदा सो गाने सुने जल्दी आ की कौन सा नाम सुने बोले कौन सा गा करा गाना गुलजार सानी वाला रांडा पार्टी सुना पूरा रांडा आ जा भाई तुम भी कौन सा नाम सुने गुलजार सानी वाला के रांडा पार्टी के करे अगर गाने का अगर है कड़ा का है के करे छन्नी वाला का छन्नी वाला का छन्नी वाला कड़ा का राजस्थान में राजस्थान में हां अच्छा ये डिटेल कटता ही है के कटता कैडी डिटेल को राजस्थान का है मारे दोस्तान बताया था स्कूल में दोस्तान बता दो गाना सुना कौन सा गा करे रंडा पार्टी सुना फिर देख दो ये सेटिंग याले लंडा ला लो नी तो फिल्टर पाटेंगे फोन पे बेबी गावणी आई एड ब्लूमा काटेंगे आगे सुनो बस और बहुत बढ़िया बनाना एकदम हाथ ऊपर उठाना किसी का नहीं देखना नहीं है सवेरे स्कूल में जाओ अपने मम्मी पापा ये नमस्ते कौन करे अगर है ईमानदारी तो अठाना ऊपर है झूठ नहीं बोलना पूछूंगा एक एक ने फोन करके इब्बे इब्बे पूछ ले हां हां पूछूंगा आधा हाथ क्या ठहरे है आड़ा जे पूरा जे पूरा जे अगा करे अगर नमस्ते के करे अगर नमस्ते पापा नमस्ते डेली करे अरे के बनागा बड़ा है जी वो फौजी वाली बात देखो तेरी आवाज तो लिकड़ दी कोन आवाज कट गई के बना बता फौजी बना रहा एक मिनट फौजी बना रहा अरे चल अच्छी बात अबे रेस मारा करे हैं सवेरे जाऊंगा तड़के तो लुक रहेगा पहला कौन मारी कदे मारी थी खड़े हो शाबाश एक मिनट हां भाई मम्मी पापा सारे नमस्ते करे हैं पूछ लो फोन करके इब्बे पूछ ले खड़े हो एक मिनट नीचे करो आज नीचे करो दादा दादी के जिसका है दादा दादी नमस्ते करे झूठ नहीं बोलनी दादा दादी के जो हाथ कर दो ऊपर उठाओ झूठ नहीं बोलनी डेली की बात है डेली पूछूंगा फोन करके इब्बे डेली अरे दादा जमा जमा डेली एक आधी बार नहीं जो डेली हाथ ऊपर करो आ जागा और खड़े शाबा के नाम है दीपक दीपक डेली करे अगर एक आधी बार ही करो दादी के कर दे अगर अच्छा डेली कौन करे अगर चलो देख ले के बनागा बड़ा होगा एक मिनट प्रोफेसर प्रोफेसर खड़े होकर बात नहीं बोले आज भर डेली करे रहे हां के का करे नमस्ते दादी नमस्ते दादा न्यू इतनी स्पीड में खड़े हो चलो बहुत बढ़िया लास्ट सवाल है झूठ नहीं बोलना किसी ने भी ईमानदारी से जो स्कूल में जांदे होने अपना मम्मी के पापा के दादा दादी किसी के जो पैर छूंदा हो झूठ नहीं बोलनी ईमानदारी तो हाथ ऊपर उठाना स्कूल में जांदे होने पांच छह पारी करे फिर तो अपने ईमानदारी तो कहो पक्की बात है एक आधी बार नहीं जो डेली करे डेली वाला उठाओ एक आधी बार नीचे करो कोई भी नहीं सुनता नहीं
ये मैंने एक बात बताओ, 10 जने हो सीधे खड़े हो सारे, मेरे का नहीं ध्यान दो। आज के बाद जब भी स्कूल लागे, एक महीना बाद, दो महीना बाद, स्कूल लागो चाहे ना लागो, सवेरे उठ दे अपने मम्मी पापा के दादा दादी के पैर कौन छूगा। सुनो एक मिनट, आठाओ तो ईमानदारी तठाइयो, कल तो शुरू करना, एक महीना बाद फिर वीडियो बनाऊंगा और 10 के 10 जने के वीडियो में आएगा, घर पूछकाऊंगा मैं, ठीक है ना। पैर छूने शाबाश देख, इस खातर ताड़ी बजाओ, इसने हाथ को उठाया यानी ईमानदारी, इसके अंदर ताड़ी बजाओ इस खातर एक बार। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं। अच्छा तना हाथ को उठाया या तो तने साची बोल दी, डर लग है पैर सुन, ये बता क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन, क्यों खड़े उरा सुन एक मिनट, हाँ ये फिर बाद में निंदा की बात को नहीं। उठ लिया, मुँह धो लिया, रोटी पानी भी खा लिया, जब भी तेरे दादा दादी तेरे माँ बाप फेटे हैं उनके पैर छूने में नुकसान है कुछ? साची बताइए, सिर्फ जवाब दे मैंने, ना रोनी कुछ घटेगा, खर्चा होगा ना, पतला हो जाएगा ना, तो फिर छूने चाहिए कि नहीं, उन्होंने जन्म दिया ना, फिर शुरू करेगा कि निकलते ही बता, ईमानदारी कहाँ पर है? पूरा खड़ा हुआ अब बात जाना, आगे खड़ा रोटी का आइटम खाओ दिन में, रोटी का आइटम खाओ, दो टाइम खाओ, दो टाइम खाने भूलता कौन कहीं भी, सच बता भूलता कौन है, रोटी कौन भूलता खाने, तुम भूलता फिर हुआ क्यों कर भूल जाएगा, बस हमें ध्यान में रहे, चल खड़े हो। हाँ भाई ईमानदारी आठाओ दोबारा, जो जो कल तो चलू करेगा, झूठ नहीं बोलनी किसी ने भी, पक्की बात है, पूछूंगा, उठ दे के करोगे पहले बताओ, बताओ नमस्ते, नहीं पैर कौन छूगा, नमस्ते तो ना करो, के कहोगे पैर छू, नमस्ते नहीं करने, दादाजी राम राम जी भी ना कहो, बेशक जी कहो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जी कंधे होने जो शर्म आओ है तो सीधा को दादा राम राम, दादी राम राम, बोल कहोगा कि नहीं, कौन कहोगा, आठाओ ईमानदारी तक के कहोगे, बोल के सुनाओ मैंने, दादी राम राम, दादा राम राम, पक्की है, कल तय, एक महीना बाद वीडियो बनाऊंगा मैं और सबके घर में पूछूंगा, पक्की बात है के? पक्की कहो ठीक, और स्कूल में जाते होने कौन क्या करेगा, स्कूल में तो मावा ही जाएंगे, कहोगे और इवे हाथ नीचे करो, एक लास्ट बात और पूछूंगा, आपस री मापा खेला, हाँ गैल कौन सा दिया करे तर में, तो साची बताने ईमानदारी से, आपस री में एक दूसरा नाम बताओ जो दिन का देखा हो, उल्टा बोलता हो, शाबाश ताड़ी बजाओ ईमानदारी खातिर, ताड़ी बजाओ ईमानदार आई हो, सारी साची बताओ गैल दिया करे कदे, साची बताइए ईमानदारी तो, हाँ यू दिया करे भाई, देखा है देवा, ठीक देवा देवा, ना ना माइक वो नहीं बताने, माइक तो चलने दे, कोई बात नहीं, आगा 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 फिर आगा तो भी आ दनु फड़ो, एक मिनट इसने तो भाई ईमानदारी तो बता बोले मैं देऊँ गल, यू झूठ बोला है, एक मिनट ईमानदारी है अभी सबसे बड़ी बात है, उन्हें मुँह करे बड़ा कैमरा का, पहले मैंने बता न्यून मुँह करा कैमरा तोड़ दिखता नहीं, आज के बाद गाल देने देने बता, रुपये मिले ना, रुपये मिल दे, ताड़ी बजाओ कोई ना, कोई वो मेडल मिलता हो, टेलीविजन मानता हो, अखबार मानता हो ना, तो गाल देना अच्छी चीज़ गलत चीज़ क्यों नहीं, गलत है, कल तो छोड़ देगा, छोड़ दे ईमानदारी तो बता, आओ ईमानदारी तो बता, पक्की कहो आज के बाद शिकायत नहीं आओगी, आओ खड़े हो, हाँ भाई तो बो खड़े हो, एक मिनट बोलना, तो पहला तन देने होंगे, डरना डरना ही थी कुर्ता छोड़, मैंने पहला तन देवा है नहीं और फिर तुम देवा ई पासे या चतने दे जाइयो तो नहीं देऊंगा, अगत है ने को कोनी ने को भाई कोनी देऊं, कह दे कौन भाई देऊं, पक्की कह देख लिए, पूछूंगा मैं, चल खड़े हो, कौन देओ नहीं कोई भी गल, ई सारे अपना अपना मुंह तो नहीं बताना है, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी, जिंदगी में के बनना चाहो बोल भाई ऊंची आवाज में, पैरा कमांडो फौजी, फौजी फौजी पुलिस, पुलिस डॉक्टर, ऊंची आवाज में बोल, सॉरी डॉक्टर नहीं, हां पुलिस, पुलिस फौजी, फौजी फौजी प्रोफेसर, प्रोफेसर आ भाई फौजी, फौजी यानी जो जो फौजी हाथ ऊपर करो, एक बार फौजी जो बनना चाहो, 1 2 3 4 5 6 7 तमने एक बात कहे रहा है, फौजी ना कहते उल्टे बोलिया कर दे, और सबकी सेवा करया कर रहे हैं, देश पे बॉर्डर पे भी सेवा कर रहे हैं, देश की बेरा हुआ इस बात का तमने, तो तम भी सेवा करनी चालू कर दो, ठीक है नहीं, पक्की बात है, सारे खातर आपस में ताड़ी बजाओ एक बार आपस में, खुश हो और जो बात कही है कल तो ध्यान में रखोगे नहीं, पक्की बात है। तो भाई एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बड़का का जो सिस्टम है उर दो दिक्कत आ रही हैं, या तो माँ बाप में कमी है, माँ बाप फ़ोन ज़रूर दे, वही लॉकडाउन में इसी ऑनलाइन क्लास चली हैं, घने माँ बाप तो फ़ोन देकर भूल जाए हैं, न्यू तो ही नहीं देखते, तारे बालक क्लास लाव हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़े हैं, गेम खेल हैं, फिल्म देखे हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है, जितने भी पेरेंट्स यह वीडियो देखने लग रहे हैं, जितने माँ बाप यह वीडियो देखने लग रहे हैं, भाई उन अपने बालकों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब तक ये कोरा कागज़ है या गिल्ली मट्टी है, आली मट्टी का कुछ ही बना लो वो बन जाएगा, जब मट्टी सूखगी तो कुछ भी नहीं बन पाऊगा। दूसरी चीज़ के है, संस्कार नहीं देंगे बड़का ने समझावा नहीं गए,
लाड प्यार की जगह है, लेकिन समझाने और बालकों की रुखायल करनी और उनका टाइम देना बहुत जरूरी है। न्यू देखने का इतनी बालक जो फ्री फायर खेलने लग रहे, आप खुद देखो हो डेली कितनी अपडेट आ, फ्री फायर पबजी माइंड वॉश गेम ही है, मतलब दिमाग ने इतना अलहदे हैं, बैटरी कम हो रही हो तो कैमरा चार्जर लाएगा बोर्ड के दोहरे बैठ जाओ, फ़ोन भी गर्म हो जाए, कई बार करंट आ जाए, हादसे भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं। तो मेरी सारे पेरेंट्सों तक एक ही रिक्वेस्ट है, अपने बालकों ने टाइम दो और टेम टू टेम डेली आध घंटा घंटा, क्योंकि उलाद खैतर तो सब कुछ करे हैं उन्होंने, कम से कम नहीं देखो पढ़ाई माँ के तक तो इन्होंने बेरा भगत सिंह कौन था और राष्ट्रीय पशु के हैं, राष्ट्रीय पक्षी के हैं, जब अपने इतिहास की बात नहीं, मेरा अपना इतिहास नहीं मालूम, निरा किताबी ज्ञान तो कुछ नहीं बनता। दूसरी चीज़ हो सकता स्कूलों में भी कमी पाओगी, स्कूलों में सिर्फ इंग्लिश पर जोर दिया जावा है, एक जना कह रहा था कि पिकोक अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन उसने न्यून बेरा पिकोप का हिंदी में मतलब क्या हुआ है भाई, उसका मतलब मोरो है, यानी हिंदी तो इतने वंचित हो गए, अपनी भाषा चुरा ली एक प्रकार से। तो यह इंग्लिश लाइफ में कड़ियाँ भी काम नहीं आवेगी, सिर्फ इतना इंग्लिश की तो हाँ भाई अपना जानकारी है, कोई बोल रहा अपा उतनी समझ सका, आप सुन सका, अपना समझ में आ जाए अगला के बोलने लग रहा है, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश अपना कोई काम के नहीं है, अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ का बिल्कुल खिलाफ हूँ कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जावे, और इन बालकों के किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं, संस्कार सबसे पहले तो माए बाप दिया करें करते हैं, फिर टीचर भी दें, और जो अपना इतिहास की बातें हैं भगत सिंह और ये चीज़ जरूरी है। आज इन बालकों का गुलजार छानी वाले के गाने याद हैं, पंजाबी गाने याद हैं, सारे गाने याद हैं, लेकिन किसी ने न्यू नहीं पता ABCD क्यों है, NR क्यों है, भगत सिंह कौन हो, इनका भगत सिंह और याद नहीं दिलाए जाते, गाने याद दिलाए जाओ, इनकी ज़िंदगी में गाने काम के आओगे। तो एक बड़ा दुख का और बड़ा चिंता का यू विषय है कि अपने जो बच्चे हैं यू देश का भविष्य है, तो आज आप खुद अंदाज़ा लगाए इसको कि देश का भविष्य किस दिशा में जान लग रहा है, अगर ये हालात रह गए तो बड़े हो गए क्या करेंगे जिसने अपने देश का इतिहास नहीं मालूम। तो भाई ये एक वीडियो बनाई थी और मेरे मन में डाउट था कि बालक जो आजकल फोन में या ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके माध्यम तो भाई पढ़े भी हैं खेलें भी हैं, सारे जितने माँ बाप देखने लग रहे बिल्कुल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी सब, अपने बालकों ने फ़ोन दो लेकिन उनकी संभाल रखो, क्लास पढ़े हैं या क्लास का ऑनलाइन काम करें ओड तक सीमित रखो, उन्होंने गेम तो बिल्कुल भी ना खेलन दो, क्योंकि बेन की उम्र को नहीं फ़ोन रखने की पहली बात तो, लेकिन ये जो गेम है पता नहीं कितने हादसे हो लिए, कितने माँ बापा की इकलौती संतान थी जो छोड़ कर चली गई गेम के चक्कर में, रिक्वेस्ट है भाई गेम तो बिल्कुल भी ना खेलन दो, कंट्रोल रखो अपने बालकों पर। दूसरी चीज़ माँ बाप आज के टाइम में इतने बिजी हो रहे हैं, मतलब एक को नहीं न्यू रख दे घूमता रहे बालक कड़े हैं कड़े नहीं, फिर फायदा के है उलैद जमी भी है पहली पोसी भी इतने बड़े कर दिए, तो आगे जो बढ़ानी है संस्कार देने वो माँ बाप का काम है, माँ बाप तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई अपने बालक ना टाइम दो, पहला भी दिया कर दे, पहला नहीं कह दे अरे मास्टर आगे जी कोई बात नहीं हमारा बालक काम नहीं करता उन्हें बेशक पीट दिया हमने कोई दिक्कत नहीं, हालांकि पिटाई तो बहुत दूर की गई, ये भी तो जो मास्टर कुछ कह भी दे हुए हैं तो उन्होंने कह दे हमारा छोरा का हाथ ना ला दी उरे भी दिक्कत आ रही, तो टेम है इबे खुद भी संभल जाओ और अपने बालकों ने भी संभालो, नहीं तो इनका जो भविष्य है वो अंधकार में जान लग रहा है। तो ये वीडियो बनाई थी, आपने किसी लगी कमेंट के जरिए अपनी राय दियो, भाई मेरा मन था कि थोड़ा बालकों ने संभाला देखा भाई इनकी कितनी के नॉलेज है कितनी पावर है, किसी वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो, इस पर अमल भी करियो और बताइयो भाई मेरा जो यू आज का टॉपिक था यू सही था या गलत था, अपना सही लग गया गलत लग गया। लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो अपनी हिंदी भाषा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ज्ञान मिलना चाहिए, यूँ मेरा मानना है, इंग्लिश कम हिंदी ज़्यादा, संस्कार बहुत ज़रूरी है। जय जवान जय किसान।